नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इंस्टेंट 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा, हमारे साथ विजय भाटी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से हालांकि विकास की जो यात्रा थी वो कैसे रही चार वर्षों में, और आगामी सफर के लिए क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, क्यों जो सदस्य हैं वो इस क्या नाम है कोनरवा की कार्यकारिणी को चुने, इसके विषय में बताइए। देखिए, मेरा नाम विजय भाटी है। जब फेडरेशन का गठन हो रहा था सेक्टर 19 के बरात घर में, तब से मैं इसमें हूँ। मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ, और 2002 में जब पहली कमेटी बनी थी उसमें भी मैं सेक्रेटरी था। 2006 तक रहा दो टर्न निर्विरोध। 2006 में हम एनपी सिंह मुन्ना शर्मा को लेकर आए और हमने उनको अध्यक्ष महासचिव बनवाया। बहुत तकड़ा जो है चुनाव हुआ था। मैं अब तक 7 चुनाव और 2 बार निर्विरोध रह चुका हूं और 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। इसमें सारे लोग तजर्बेकार हैं, निस्वार्थ हैं, संपन्न हैं, सबका काम करते हैं, सबका फोन उठाते हैं। अगर रात को भी फोन आ जाता तो हम लोग उठ के उसका जो है कार्य करते हैं। कोरोना काल में इस टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया था। योगी जी ने आके सबसे पहले नोएडा में फेडरेशन को सम्मानित किया था। हम लोगों ने कोरोना काल में हर सेक्टर के बरात घर में 8-8, 10-10 बेड लगाए थे। डॉक्टर और सिलेंडर और ऑक्सीजन मशीनों का इंतजाम किया था। एक हॉस्पिटल हमने सेक्टर 45 में स्थापित की थी जिसमें 15 बेड लगाए थे, 4 डॉक्टर 6 नर्स लगाई थी, सिलेंडर मशीनों की व्यवस्था की थी। और किसी भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हम लोग सारे मिलकर सेक्टर के लोगों की RWA के तरफ से जो भी समस्या होती है उसको पूरा जो है मदद करते हैं। और आगे भी हमारे आगामी जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले है ट्रैफिक। पूरा नोएडा ई रिक्शा ने घेर रखा है। हम ये चाहते हैं कि ई रिक्शा ख़त्म हो और बम्बई की तरज पे जो सिटी बस चलाई जाए। ड्रामा सेंटर हो, जैसा कि सफदरजंग के बराबर में है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो हॉस्पिटल के एजेंट हैं वो एम्बुलेंस में जो पुलिस व्यवस्था है वो उठा के प्राइवेट में कर देती है और वो अनाप शनाप बिल बनाते रहते हैं। तो हम सफदरजंग की तरह एक ट्रामा सेंटर भी चाहते हैं, 2-3 कॉलेज भी चाहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था चाहते हैं। और जिस सड़क, पानी और सीवर, पार्कों की जो व्यवस्था, उसे भी जो है अच्छे तरह से उनके मुद्दे उठाएंगे। और इसमें एक और मुद्दा है डॉग का। कुत्ते आदमी को खा जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी अगर कुत्ते पर सोटा बजा दे तो उसे जेल हो जाती है। तो हमारे जो शहर के मुद्दे हैं उनको हम आगामी उसमें पूरे उठाएंगे। हमारे इस पैनल में 2002 से अब तक के पुराने नए सारे लोग, पढ़े लिखे तजर्बेकार और संपन्न लोग हैं जो शहर की समस्याओं को हम प्रमुखता से उठाते रहे। जी, तमाम तरीके के बहुआयामी विकासों की बात विजय भाटी जी ने की कि क्या कुछ लगता है 7 जनवरी को लेकर, आपके मन में कितनी उत्सुकता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क।